एक ही तो दिल है, कितने बार जीतोगे पवन भैया। मैंने सोच के रखा था कि आज का गाना देखने के बाद शायद मुझे ऐसा कुछ कहने को मौका मिलने वाला है, लेकिन क्या ही बताया, जैसे ही हमने गाने को सुना ना, उसके बाद से बायकॉट करेंगे पवन सिंह के ऐसे गानों की, क्योंकि ये यहाँ अब पवन सिंह का लेवल देखकर गाने और फीमेल सिंगर सेलेक्ट नहीं किए जाते, बल्कि चापलूसी करके पवन सिंह से कुछ भी गवा दिया जाता है। तो क्या सोचे थे, पब्लिक कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगी? मिल गया स्वाद, आ गया मजा। 8 घंटे में 3 लाख व्यू क्रॉस किया है, 63,000 लाइक्स मिला है। शायद आज की ये बात मेरी कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन सच है। आप मेरे वीडियो के कमेंट में भी देखेंगे तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ गाना आज का अच्छा है, एवरेज है, एवरेज कह सकते हैं, उतना भी बहुत बुरा नहीं है। और तो फिर उस इंसान का लेवल आप लोग इतना क्यों गिरा रहे हैं? मेरा एक ही सवाल है आप सभी से, भक्ति संगीत के नाम पर ऐसे गाने जो कि लग रहा है कि लोकगीत के हिसाब से उस गाने का धुन बनाया गया है, और लिरिक्स भी कुछ खास नहीं है, उसी टाइप का है। और फीमेल सिंगर का तो नाम ही मत लीजिए, मतलब शिल्पी और शिवानी, ये दो नाम छोड़ के इन लोगों के पास कोई फीमेल सिंगर है ही नहीं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खाली हो चुकी है इन लोगों के लिए। और हाँ, रोशन सिंह विश्वास जी, आप इतने लगातार गाने क्यों दे रहे हैं पवन सिंह को? आप सारे पुराने गानों के धुन को उठाकर तोड़ मरोड़ कर बस गाने बना दे रहे, नया गाने का नाम दे रहे हैं, ऐसे ही होते हैं गाने? अगर ऐसे गाने होते हैं तो थोड़े दिन ब्रेक लीजिए, अच्छे से गाने को तैयार कीजिए और तब गवाइए। और एक बात और कि इस गाने में आप लोग पवन सिंह से हारमोनियम क्यों पकड़ाए? हारमोनियम का भी इज्जत ले रहे हैं आप? हारमोनियम ऐसे गानों के लिए नहीं, बल्कि ऐसे गानों पर बजाया जाता है जो कि पिछले साल का गाना है। तो हुजूर, एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि आपकी जो ऑडियंस है ना, वैसी वाली नहीं है कि कुछ भी गा देंगे और कुछ भी लोग आपको सराखों पर बैठा लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फैंस की डिमांड है भक्ति संगीत में मनोज मतलबी और विनय बिहारी, जाहिद अख्तर जैसे राइटर्स की, फीमेल में प्रियंका सिंह, खुशबू जैन, कल्पना पटवारी जैसे सिंगर्स की, यहाँ तक कि आप स्वाति मिश्रा या डिम्पल भूमि जैसे जो कि भोजपुरी की बेस्ट सिंगर आज के डेट में है, जो भोजपुरी से लेकर हिंदी क्या क्या वो नहीं गाती, तो वैसे सिंगर के साथ आप कोलैब कीजिए, वैसे लोगों के साथ जाना चाहिए। आपका लेबल क्या है आप क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन ये तो गवाएंगे बस शिल्पी और शिवानी के साथ, भक्ति संगीत का ये लोग मजाक बना दिए हैं और भक्ति संगीत के नाम पर लोकगीत ला के रख रहे हैं। पर क्या कहें हम, जरा सा भी अगर भोजपुरी से प्रेम है आपको तो प्लीज सुधर जाइए, नहीं तो फिर एल्बम इंडस्ट्री भी वैसे ही ठिकाने लगने वाली है जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री लग चुकी है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और क्या मैंने कुछ गलत कहा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए।